ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप 2020 के बारे में, जिसको फंड करती है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और इसको कंडक्ट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स को कि आप इसके लिए 31 अक्टूबर 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल पर। और यहाँ पर आपको फैमिली की एनुअल इनकम के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, और वो सर्टिफिकेट हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क के सेक्शन में यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको इस पोर्टल का ईमेल मिल जाएगा जहाँ पे आप ईमेल और कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्कीम गाइडलाइंस के नीचे यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसके गाइडलाइंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस स्कीम के तहत आपको कितना स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। तो दोस्तों क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट को 5,000 रुपीज़ और क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट को 6,000 रुपीज़ दी जाएगी। और बात करें दोस्तों इस बार का एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेब पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर और OTP डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया जाएगा जिसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और अपने रेस्पेक्टिव स्कूल के प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल हैं उनका सिग्नेचर करा के फॉर्म को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछे जा रहे हैं उसको फिलअप कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं फैमिली की एनुअल इनकम सर्टिफिकेट वगैरह उसको वहाँ पर अटैच करके, और इस पोर्टल पर आपको आके उस फॉर्म को स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप में ओनली माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस स्कॉलरशिप में ओनली गर्ल्स जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करती है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों आपके प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th 12th आप जहाँ जिस भी क्लास में स्टडी करते हैं आपकी प्रीवियस क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक फैमिली में 2 स्टूडेंट एक ही क्लास में स्टडी करते हैं तो उनमें से एक ही एलिजिबल हो पाते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब ये स्कॉलरशिप 2003 में लॉन्च किया गया था उस समय ये मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता था, बट अब ये बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों स्कॉलरशिप एक ही है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह मेंशन किए गए, एक बार फॉर्म फिलअप करने के पहले एक बार उसको आप पढ़ ले। उसके बाद दोस्तों यहां पे नीचे कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले अपना आप जिस भी क्लास में स्टडी करते हैं उसको यहां पे सेलेक्ट करना है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th जिसमें आप स्टडी करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद यहां पे आपको अपना फोन नंबर डाल के OTP वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों आप ये काम कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो किया जाता है, और उसके बाद का रेस्ट प्रोसेस हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आप कोई फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई हिंट लेना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां पे हम लोगों ने नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप किया था, तो आप उस वीडियो को देख के कोई हिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे भी इस तरह की वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।